नमस्ते दोस्तों, आज हम भकुरा मछली बनाएंगे। 2.5 किलो भकुरा मछली ले लिए हैं, उसे अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं। मछली को साइड में रख देंगे। सबसे पहले मसाला पीसेंगे। पीली वाला सरसों है, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें एक कटोरा पीली सरसों रखेंगे और 10 लहसुन को छुड़ा के ले लिए हैं, अलग कर लिए हैं कलिया को, उसमें डाल देंगे और दोनों के साथ मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद मछली बनाएंगे। देखिए, सरसों और लहसुन का मसाला पेस्ट एकदम बन गया है, बहुत अच्छा। मछली फ्राई करने के लिए इसमें 4 चम्मच सरसों लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिला के मछली फ्राई करने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है मछली। तो इस तरह मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, मछली बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे मछली को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब चलेंगे गैस की तरफ। देखिए, कढ़ाई गरम हो गया है। अब उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल में धुआं आने लगेगा तभी मछली डालेंगे फ्राई करने के लिए। तेल अच्छे से गरम हो गया है, देखिए धुआं निकलने लगा है। अब इसमें मछली डालेंगे एक एक करके। एक तरफ अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद तल देंगे। देखिए, एक तरफ मछली अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे पलट लेंगे। मछली को आराम से पलटा जाता है, आराम आराम से पलटेंगे मछली को। सारे मछली को पलट लिए हैं। अब दूसरे तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चेक कर लेते हैं मछली, दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो सारे मछली को निकाल दिए, अब बाकी का मछली भी उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे मछली को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारा मछली फ्राई हो गया है। अब चलेंगे मसाला तैयार करने मछली के लिए। मछली फ्राई किए थे, जो तेल बचा था थोड़ा सा और इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें मेथी के दाना डालेंगे। मेथी का दाना भून गया है 1 मिनट। अब उसमें सरसों वाला मसाला डालेंगे, मिलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 3 टमाटर काट के डाल देंगे। जिस बर्तन में मसाला लगा हुआ था उसमें पानी डाल के मिला के डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे मसाले को पकाएंगे।
अच्छे से मिला लिए हैं मसाले को, अब भूनेंगे मसाले को। देखिए मसाला का पानी सारा सूख गया है, अब दो तीन मिनट और भूनेंगे मसाला को, उसके बाद मसाला तैयार हो जाएगा। सरसों वाला मसाला ज़्यादा भुना जाता है ताकि कच्चापन ना आए, अच्छे से भून जाए। धीमी आंच पे भून रहे हैं। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है मसाले से। अब इसमें पानी डालेंगे, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाले हैं, एक गिलास और पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है मसाला का। एक गिलास और पानी डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद मछली डालेंगे। देखिए ग्रेवी गरम हो गया है अच्छे से, अब उसमें मछली को डालेंगे। देखिए सारा मछली डाल दिए हैं ग्रेवी में, अभी से 5 मिनट उबलने देंगे, अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। मछली में थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मछली में। मछली जब भी बनाइएगा कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, और सीजन में हरा मेथी पत्ता डालिएगा, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है, ग्रेवी भी बहुत अच्छा हो गया है, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, तो मछली बनकर तैयार हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और मछली को ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। देखिए मछली का कलर बहुत ही सुंदर आया है। मछली को अब एक बर्तन में निकालेंगे, मछली सर्व करने के लिए तैयार है। इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोग के। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।